हम है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुगट्टा के ट्रेनी। हम सभी आप लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने आए हैं। जीवित नहीं रह सकता,
परंतु इंसानों ने अपनी भौतिक जरूरतों के लिए मुझे काट काट कर मेरे अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया। आखिर इंसानों का मैंने ऐसे क्या बिगाड़ा जो इंसान मुझे धीरे धीरे काटते जा रहे हैं। इतने सारे पेड़ और सिर्फ एक खिलाड़ी, ये तो बहुत ही नाइंसाफी है। सारे पेड़ काटूंगा और खूब सारे पैसे बनाऊंगा। पहले तुझे काटूंगा और तू तो छोटा पेड़ है, पहले बड़ा पेड़ काटूंगा और उससे पहले थोड़ा आराम कर लेता हूं। आज तो बहुत आराम कर लिया, अब थोड़ा काम कर लेना चाहिए। अरे भाई रुको, तुम मुझे काट रहे हो? अभी तो तुम कुछ देर पहले मेरी इच्छाओं के नीचे आराम कर रहे थे। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम मेरे फल खाते हो, जब तुम्हें लकड़ियां चाहिए होती है तो तुम मेरी टहनियां तोड़कर घर ले जाते हो, और आज तुम ही मुझे काट रहे हो। आखिर ऐसा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मुझे काटने से तुले हुए हो? तुम क्या चाहते हो, मैं भूखा मर जाऊं, मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? अगर तुम्हें लकड़ियां चाहिए तो तुम दो चार टहनियां ले जा सकते हो, परंतु मुझे मत काटो। तुम्हारी दो चार टहनियों से मेरा क्या होगा? मुझ में है सांसों की मेहरबानी, मेरा तो रहेगा रानी। मुझसे है सांसों की मेहरबानी, मेरा तो रहेगा रानी। मैं तेरा हिस्सा तू मेरा हिस्सा, हम मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे जिंदा है, ना काटो मुझे बड़ा जिंदा है, ना काटो मुझे बड़ा जिंदा है, ना काटो मुझे बड़ा जिंदा है। धरती माता करे पुकार, हरा भरा कर दो संसार। धरती माता करे पुकार, हरा भरा कर दो संसार। मुझे पहचाना, मैं मिट्टी। मैंने इस धरती के इंसानों को खनिज पदार्थ, स्वास्थ्य वर्धक, फल फूल क्या क्या नहीं दिया, फिर भी धरती के इंसानों ने मुझ पर प्लास्टिक अवशिष्ट पदार्थ से मुझे भी दूषित कर दिया। देखो जरा नजारा, कैसे इंसानों ने खुद को और मिट्टी को नुकसान पहुंचाया। छुट्टी है, छुट्टी है, अचानक क्यों? बारिश आया, भर गया पानी, भर गया पानी, आज स्कूल की छुट्टी है, छुट्टी है। ट्रेन ट्रेन, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आज बारिश बारिश के कारण ऑफिस में पानी घुस गया है, जिसके कारण जरूरी कागजात और फर्नीचर का नुकसान हो गया है। तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रही हूँ। उफ, इस भारी बारिश ने तो परेशान ही कर दिया, मेरे जरूरी कागजातों के साथ फर्नीचर का भी नुकसान कर दिया। इस सब मुसीबत के जड़ हम सब है। वो कैसे? वो कैसे? प्लास्टिक की थैली को इधर उधर फेंकने से नदी नालों में पानी का बहाव कम हो जाता है। फिर क्या करें? फिर क्या करें? और इन दिनों मत अपनाओ, मत अपनाओ, मत अपनाओ, इन गलती मत दोहराओ, मत दोहराओ, मत दोहराओ, और इन दिनों मत अपनाओ, मत अपनाओ, मत अपनाओ, इन गलती मत दोहराओ, मत। जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला उसके पेट से 10 किलो प्लास्टिक निकला। इतना सारा?